हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम की ज़िंदगी। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सबको। सो आई होप आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे मैं सो के उठी और फ्रेश फ्रेश हो के आई हूँ और यहाँ पे मटर में छील रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर की सब्जी और रोटी। सो यहाँ पे ही मैं मटर को छील रही थी और टाइम भी बहुत मतलब कि लेट हो रहा था मैं, और तो मैं सोची कि सर चलो आज मैं आलू ही मटर बना लेती हूँ। मटर छीलने में बहुत टाइम लग रहा था तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आलू ही छील लूँगी। और क्या होता है ना, सुबह उठो तो रात में छिला हुआ रहता है मटर, तो आसान रहता, तो मैंने छीली नहीं रात में। बहुत ज़्यादा रात हो गया तो फिर मैं सो गई थी, तो फिर अभी मॉर्निंग में ही छिलना पड़ रहा। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी मेरे हेल्प कर रहे हैं और भी मैं सोची चलो आप ही हेल्प कर दो, मटर छील दो, नहीं तो वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो वो छील रहे हैं मटर और मैं यहाँ पे काट रही हूँ आलू। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मटर की सब्जी। सो पता अभी समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ, हर एक तरह की सिर्फ मार्केट में गोभी और ये बंदा और बैंगन मिलती है और कोई सब्जी तो मिलता ही नहीं है। सो बहुत मुश्किल होती है, समझ में नहीं आती क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। सो यहाँ पे मेरी हमारी सब्जी कट के रेडी हो गई है। सो मैं यहाँ पे सब्जी को कट करने के बाद यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी हूँ, आटा गूँथने लगी हूँ। बहुत मतलब ऊपर उसे गूँथा नहीं जाता है, सब्जी वगैरह सब मैं नीचे ही काटती हूँ बैठ के, आराम से बैठ के सब्जी आटा मतलब कि जो भी काटने की चीज़ हुआ या गूँथने की चीज़ हुआ मैं बैठ ही काटती हूँ। मुझे ऊपर में पैर दर्द करने लगा, मुझे अच्छे से कटता भी नहीं है सब्जी, आटा तो गूंथता ही नहीं। तब तक नीचे नहीं गूंथो तो वो सॉफ्ट नहीं होती है, तब तक सॉफ्ट नहीं होती है फिर रोटी ठीक से बनती भी नहीं है। सो यहाँ पे पपकॉर्न बनाई थी सुबह सुबह, थोड़ा सा भूख भी लग गया था तो मैं सोचा चलो पपकॉर्न बना लिया जाए। सो थोड़ा सा पपकॉर्न बाबू के लिए बना दिए थे, वो आज लेट हो गया था मॉर्निंग में। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी पूजा जा करने के बाद नाश्ता। सो यहाँ पे ये पत्ते वाले प्याज होते हैं ना जो सब्जी में डालने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में इसका पकौड़ी भी खाते हैं सब। और वही नाश्ता बनाना, एक तरफ मैंने कढ़ाई बिठा दिया था, एक तरफ पर मैं रोटी सेकने के लिए बिठा दी थी कि मैं चलो दोनों काम ही कर लिया जाए एक ही बार। और दूध वगैरह गर्म कर दिए थे मम्मी जी, दूध मम्मी जी गर्म करके चले गए थे। सो यहाँ पे मैं फिर मैं खाना नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। और सुबह के इतना सारा काम रहता है ना, मतलब किचन देखो, बच्चे देखो, घर देखो, पूरा सारी काम सुबह के ही हो जाती है। पता ही नहीं चलता है, सुबह उठो बस काम ही काम मिलता है, सो काम ही काम में लगे रहो। सो यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, सो अभी उसको मैं छौंक लगा दूँगी सब्जी में, फिर उसके बाद मैं रोटी सेक लूँगी। और आप सबका रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि मैम आप ग्रीन वाली साड़ी में ब्लॉग बनाइए। सो मैं साड़ी ब्लॉग बनाइए मैम डेली। सो मैं आज साड़ी ही वेयर की हूँ। सो अभी ठंड है ना, इसके कारण से मैं साड़ी बहुत कम यूज पहनती हूँ, ज़्यादातर के सूट ही पहनती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड गई थी पर तो फिर ठंड बढ़ गई है अभी। सो यहाँ पे मैं सब्जी और रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
सो नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मेरी अभी सब्जी चढ़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे रोटी सेक ली थी, उसके बाद मैं किचन के लिए, किचन गंदा रहता है ना तो मुझे किचन में काम करने में मन नहीं लगता है, अलग ही हाथ मैं साफ़ करते रहती हूँ, मतलब कुछ भी गिरा तो मैं क्लीन करते रहती हूँ हमेशा, मेरे हाथ में ये एक तरफ ये रहता है रखा हुआ, सो मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ, कुछ भी गिरा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और फ्रेश फ्रेश किचन लगता है, ऐसे क्लीन रहता है तो अच्छा रहता है, काम करने में भी मज़ा आता है। सो यहाँ पे भी नीचे भी कुछ आलू में छिली थी और काटे थे, तो उसे मैं उस समय पोछी नहीं थी, तो मैं सोची चलो अब किचन भी क्लीन कर देती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद मैं अब यहाँ किचन क्लीन कर दूँगी अच्छे से, और यहाँ पे इसको भी क्लीन करना है, बहुत टाइम हो गया है गंदा हो चुका है, सो मैं यहाँ पे अच्छे से फर्श को क्लीन कर लूँगी। और क्या होता है ना, क्लीन ना करो ना एक, मतलब कि हम मेरा किचन है पता नहीं बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, किन का किचन हमसे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, देख सकते हैं मेरी बिटिया रानी को कैसे करके आती है, सो पता नहीं कैसे गंदा होता है, सब मच्छर नहीं आता है, मुझे किचन गंदा रहता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो मैं यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी कुछ देरी के बाद, मतलब कि 2 2:30 बज रही होगी, तो मैं सोची चलो अब आयरन भी कर देते हैं कपड़े, छत पर से आयरन कपड़े लेके आई थी, तो लगे हाथ मैं अभी से भी प्रेस कर दूँगी। सो आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगे।